पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, इंदौर के अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, तो मैं कमल का फूल हूँ, इस शहर का बेटा हूँ। मेरी तैयारी हर कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि मेरी जीत कार्यकर्ता की जीत है, पुष्यमित्र की जीत नहीं है। दूसरा, संजय शुक्ला जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो जिस सहजता से, जिस हसमुखता से काम कर रहे हैं, वो दलगत राजनीति में हंस हंस के वोट ज़रूर मांग सकते हैं, लेकिन इंदौर के शहर का नागरिक बहुत समझदार है, सुधी है, नए अच्छे लोगों को, निष्पक्ष लोगों को और ट्रांसपेरेंट लोगों को लाना चाहते हैं, तो उस ट्रांसपेरेंसी में मेरी जीत है। तो संजय शुक्ला जी ने जो तैयारी की है, वो ये शहर जानता है कि क्या तैयारी की है, और हमने जो तैयारी की है वो कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने की तैयारी की है। संजय शुक्ला जी मेरे बड़े भाई हैं, कई सारी चीज़ों में हमने उनसे सीखा भी है, उसमें कोई बुराई नहीं, आदमी किसी से भी सीख सकता है, लेकिन बड़े भाई संकट के समय लोगों के साथ खड़े रहने के बजाय जिस प्रकार से युद्ध लड़ने वाले जो सैनिक थे कोरोना के काल में, उनके खिलाफ बोलते रहे, उससे उस भाव का प्रकटीकरण होता है। लेकिन संजय भैया मेरे बड़े भैया हैं, वो भी अपना चुनाव लड़ें, मैं भी कार्यकर्ता के भाव से चुनाव लड़ूंगा, अपने विचारों को, अपनी बात को रखूंगा, और इंदौर की जनता मैं जानता हूं कि न्याय करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी।